YouTube चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। क्लैट का कल ही नया नोटिफिकेशन आया है एंड दे हैव क्लियरली स्टेटेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द पैटर्न फॉर क्लैट पीजी दिस ईयर। क्लैट पीजी में कोई खास चेंज नहीं आया है अभी इस पर्टिकुलर एग्जाम पैटर्न में, तो इसका मतलब अभी हमारे पास 120 क्वेश्चंस ही आएंगे एंड एज एक्सपेक्टेड हमारे पास 2 आवर्स का टाइम पीरियड रहेगा। सिलेबस में भी कोई खास चेंज नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि हम पैटर्न में कोई चेंज एक्सपेक्ट करेंगे आफ्टर दिस नोटिफिकेशन। तो उसके हिसाब से केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर ऑल फॉर क्लैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो इन दिस सीरीज, हाई गुड आफ्टरनून कीर्तना। So in this series we'll be discussing some of the very important cases. We'll be doing that in different parts. हम बहुत सारे parts करेंगे इस particular series का एंड ये सारे ही cases आपके लिए CLAT के perspective से बहुत important है। So just make sure कि आप ये सारे cases timely complete करें and you are well aware about these cases because CLAT में इनके basis पे questions आने की possibility काफी high है, right? So let's start everyone. The first case for today's discussion is Naveen versus State of Haryana. November month ka judgment hai on section 319 of CRPC. Basically the bench you are comprised of Justice Ajay Rastogi and Justice C.T. Ravi Kumar. Yahan pe basic issue ye tha ki kya Naveen aur Meher ye dono liable honge to be impeded at additional accused by application of section 319. Iske liye let's understand first what exactly section 319 states. सेक्शन 319 ऑफ आईपीसी हमें ये बोलता है दैट द कोर्ट कैन प्रोसीड अगेंस्ट डिफरेंट पर्सन ऑल्सो हु सीम टू अपियर गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। जैसे कि अक्यूज जो स्टार्टिंग से आपके केस के अंदर है उसके अगेंस्ट तो कोर्ट कंटिन्यू कर ही सकता है, उसके अलावा दूसरे अक्यूज के अगेंस्ट भी कोर्ट कंटिन्यू कर सकता है, उनको भी सू कर सकता है यदि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई नया नाम सामने आता है कोर्ट के लिए कि ये बंदा भी गिल्टी माना जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ये था कि क्या हम इन दोनों नए अक्यूज को एडिशनल अक्यूज की तरह ट्रीट कर सकते हैं बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 319। कोर्ट ने एक लैंडमार्क केस दैट इज हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स को रेफर करते हुए ये बोला कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सीआरपीसी के अंदर कोर्ट की। कोर्ट हैज स्टेटेड दैट सेक्शन 319 इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जिसका सीधे सीधे लॉजिक ये है कि ये स्पेरिंगली मतलब एक्सेप्शनल केसेस में ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। यहाँ पे टेस्ट ये नहीं है कि एक प्राइमर केस फेसी केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और यहाँ पर टेस्ट ये है कि जिन लोगों को आप एडिशनल अक्यूज की तरह एड ऑन करना चाहते हो क्या उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रांग एंड कोजेंट एविडेंशियरी एविडेंसेस अवेलेबल है and these evidences should be unrebutted and they should conclusively result in conviction. ये बहुत जरूरी है कि वो conclusively conviction में result करें। यदि वो conclusively conviction में result कर रहे हैं तभी हम section 319 की power को इस्तेमाल करेंगे, invoke करेंगे, otherwise section 319 की CRPC की power invoke नहीं की जानी चाहिए। तो कोर्ट ने बहुत क्लियरली लेट डाउन किया इस पर्टिकुलर केस में कि ये पावर का बहुत ही स्पेरिंगली मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में कोर्ट को इस्तेमाल करना चाहिए एंड इसको जनरली इन्वोक नहीं करना चाहिए सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमा फेसी केसेस। देन द नेक्स्ट केस इन लाइन इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर वर्सेज सुनील कुमार बी एन अदर्स। ये केस स्पेसिफिकली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के ऊपर है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7, 6A एंड सेक्शन 7 की एप्लीकेबिलिटी पे है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14। यहां पे बेंच थी चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनुराधा बोस एंड जस्टिस सुधांशु धुधुलिया। यहां पर ये बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एम्प्लॉय पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। देखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर रिसेंटली इन द ईयर ऑफ 2014 एम्प्लॉय पेंशन अमेंडमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी एंड एम्प्लॉय पेंशन अमेंडमेंट स्कीम के थ्रू एक एडिशनल कंडीशन इम्पोज की गई थी। ठीक है, एक एडिशनल कंडीशन इम्पोज की गई थी ऐसे एम्प्लॉयज जिन्होंने स्पेसिफिकली ज्वाइन नहीं किया है उन्हें एडिशनल 4 मंथ्स का टाइम पीरियड ग्रांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिक कंडीशन थी। अब क्या हुआ, जब एम्प्लॉय पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 एप्लीकेबल की गई तो उस स्कीम के अंदर ये बात बोली गई कि ये एडिशनल टाइम हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि ये एडिशनल टाइम यदि हम एम्प्लॉयज को देंगे तो ये बाकी एम्प्लॉयज के साथ इनजस्टिस होगा एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस एडिशनल टाइम सो दिस स्पेसिफिक कंडीशन विच वॉज गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज कंसिडर्ड एज इलीगल एज पर द न्यू अमेंडमेंट पेंशन स्कीम।
तो इस केस में कोर्ट ने क्या बोला, इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि जो एम्प्लॉय पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 पार्लियामेंट ने इन्फोर्स करी है नेशनल लेवल पे, वो एब्सोल्युटली लीगल एंड वैलिड है, क्योंकि भले ही इसके अंदर ये एडिशनल 4 मंथ की कंडीशंस को इलीगल ट्रीट किया गया है, बट ये कंडीशन एनीवे इलीगल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, फेयर जस्टिस के प्रिंसिपल पे इस कंडीशन को एब्सोल्युटली वैलिड बोला, इस कंडीशन को इलीगल डिक्लेयर किया गया था। एंड क्योंकि ये कंडीशन इंक्लूड नहीं कर रही है, एम्प्लॉय पेंशन अमेंडमेंट स्कीम इज नॉट इंक्लूडिंग दिस कंडीशन, एक्चुअली एम्प्लॉय पेंशन अमेंडमेंट स्कीम हैज मेड दिस कंडीशन एज इलीगल, हैज डिक्लेयर दिस कंडीशन एज इलीगल, दैट इज वाई दिस केस वर इनिशिएटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, कि एक कंडीशन जो बहुत टाइम से चली आ रही है, आप उसको सडनली एक अमेंडमेंट स्कीम के थ्रू इलीगल नहीं बोल सकते हो, राइट? तो कोर्ट ने यहां पर यह बोला कि जो प्रोविजंस हैं एम्प्लॉय पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 के, वो एब्सोल्युटली लीगल एंड वैलिड हैं एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजंस, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एज पर आर्टिकल 14। तो कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था। डोंट वरी, आई विल रिपीट द फर्स्ट केस फॉर यू। इस केस के अंदर दैट वी वर डिस्कसिंग, नवीन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सेक्शन 319 के अंदर कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर है सीआरपीसी में कि वो किसी भी नए बंदे को एज एन अक्यूज ऐड कर सकता है इफ रिक्वायर्ड। तो यहां पर उसे इन्वोक करने की बात की गई इन द करंट केस इन हैंड। नवीन और मेहर को ट्रीट करने का रिक्वेस्ट था एज एडिशनल अक्यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये समझाते हुए बोला कि सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी की जो पावर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, और जब तक अक्यूज्ड के अगेंस्ट एकदम स्ट्रांग एविडेंसेस नहीं है टू कंक्लूड इनटू कन्विक्शन ऑफ द एडिशनल अक्यूज्ड, ये पावर कोर्ट को इन्वोक नहीं करनी चाहिए। द पावर ऑफ सेक्शन 319 इज डेफिनेटली अ डिस्क्रिशनरी पावर, बट शुड ओनली बी इन्वोक्ड इन द केसेस वेयर देयर आर स्ट्रांग एविडेंसेस अवेलेबल अगेंस्ट द accused, strong evidence is such a manner which will conclusively result into conviction of the accused. जब तक ऐसे evidences available नहीं होंगे, तब तक आप 319 को invoke करके किसी को भी as additional accused consider नहीं करोगे for section 319 of CRPC. यही बात court ने इस particular case के अंदर consider की by referring Hardeep Singh judgment. I hope now this is clear to everyone. Next is B.V. Sesha versus State of Telangana and another. The bench in this particular case is Justice Krishna Murari, Justice B.V. Nagaratna. The issue here is कि क्या कोई conviction under section 138 of NI Act. 138 of NI Act is an offence of dishonor of cheque. 138 ऑफ NI Act डिसऑनर ऑफ चेक की बात करता है। इसमें यह बोला गया है, मेजर इश्यू यहां पर यह था कि क्या एक कन्विक्शन जो ऑलरेडी स्टेट डाउन किया जा चुका है, कोर्ट जब एक कन्विक्ट कर देता है किसी को सेक्शन 138 ऑफ NI Act के एप्लीकेशन में, तो क्या वो कन्विक्शन पार्टीज के बीच में एंटर किए हुए एग्रीमेंट को, सी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस इज अ कॉन्सेप्ट, जहां पे पार्टीज अपने बीच में एग्रीमेंट में एंटर कर लेती है एंड दे कंपाउंड देयर ऑफेंस, ऑल राइट? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक कन्विक्शन हो गया सेक्शन 138 NI Act के अंदर, क्या वो कोर्ट का कन्विक्शन, कोर्ट का जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, कैन इट ओवरराइड एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, एंड दिस कन्विक्शन कैन इट ओवरटर्न द एग्रीमेंट एंटर्ड बाय द कोर्ट और द कोर्ट्स ऑर्डर, क्या एक एग्रीमेंट ओवरटर्न कर सकता है कोर्ट के ऑर्डर को? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह हेल्ड किया कि कोर्ट जब भी एक स्टेप लेता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का, या फिर पार्टीज जब भी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की स्टेप लेती है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली अलाउड बाय द सेम। मतलब देखो, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है, सिर्फ कुछ ही इंस्टेंसेस में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अलाउड है। तो यदि एक पार्टी कंपाउंडेड, यदि ये पार्टी, येस वैष्णवी, दिस विल बी अवेलेबल इन द रिकॉर्डिंग, दिस यू कैन फाइंड दिस वीडियो ऑन आवर चैनल, यू विल फाइंड दिस वीडियो आफ्टर द लाइव सेशन ऑल्सो, डोंट वरी, ठीक है? तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ये बोला कि जब भी एक स्टेप ऑफ कंपाउंडिंग लिया जा रहा है बाय द पार्टीज एंड दैट इज एब्सोल्युटली लीगल एज पर लॉ, तो उस कंपाउंडिंग एग्रीमेंट को हाई कोर्ट बिल्कुल भी ओवरराइड नहीं कर सकता। मतलब हाई कोर्ट ये नहीं कर सकता कि पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको ओवरराइड करके अपना जजमेंट दे दे। यहां पर जो एग्रीमेंट पार्टीज ने अपने फ्री विल से एंटर किया है, वो एग्रीमेंट ओवरराइड करेगा हाईकोर्ट के जजमेंट को। हाईकोर्ट अपने जजमेंट के थ्रू ये एंटर किया गया कंपाउंडिंग एग्रीमेंट को ओवरराइड किसी भी इंस्टेंसेस में नहीं कर सकता। कब?
जब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अलाउड है, और सेकेंड जब पार्टीज ने ये अपने फ्री विल से किया है लीगल तरीके से. इन दैट सिनेरियो हाई कोर्ट ओवरराइड नहीं कर सकता ऐसी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस को और अपनी विल को इम्पोज नहीं कर सकता. देन व्हाट विल बी एप्लीकेबल? द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के अंदर एंटर किया हुआ जो एग्रीमेंट है दैट विल प्रिवेल ओवर द हाई कोर्ट जजमेंट. दिस हैज बीन क्लैरिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. यदि कंपाउंडिंग पार्टीज की मतलब मर्जी से हुई है, लॉ के हिसाब से हुई है, लॉ के पॉइंट्स को फुलफिल करते हुए हुई है, तो कंपाउंडिंग को हाई कोर्ट का जजमेंट ओवरराइड नहीं कर सकता. नेक्स्ट, MS Godraj Sara Ali Limited versus the Excise and Taxation Officer cum Assessing Authority and others. This is another case for this particular series. The bench here is S. Ravindra Bhatt and Justice Dipankar Datta. इस केस में ये था, देखो दो टाइप की रेमेडीज होती है. एक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 226 के ओरिजिनल फॉर्मेट में रेमेडी अवेलेबल है, दूसरा हमारे पास स्टैट्यूटरी रेमेडीज होती है. यहाँ पे मेजर इश्यू ये था कि यदि हमारे पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, अल्टरनेटिव रेमेडी मतलब स्टैट्यूटरी रेमेडी अवेलेबल है हमारे पास कोर्ट को अप्रोच करने की, तो क्या दिस विल बार माय कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑफ आर्टिकल 226? तो यदि मेरे पास स्टैट्यूटरी रेमेडी है तो क्या मुझे उसी में कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, और क्या मैं आर्टिकल 226 में कोर्ट को अप्रोच ही नहीं कर सकती? क्या मेरी 226 की पिटिशन एब्सोल्युटली बार्ड मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह समझाया दैट अवेलेबिलिटी ऑफ एन अल्टरनेट रेमेडी डू नॉट एब्सोल्युटली बार द मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ रिट पिटिशन. यदि आपके अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको आर्टिकल 226 में पिटिशन फाइल करने के ऊपर बार लग गया. वो एब्सोल्यूट बार नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल भी एब्सोल्यूट बार नहीं है. यदि स्टैट्यूट्स के अंदर किसी भी तरीके की अल्टरनेटिव रेमेडी प्रोवाइड की गई है तो दैट्स अ मैटर ऑफ पॉलिसी एंड कन्वीनियंस एज वेल एज डिस्क्रिशन. इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ कि यदि स्टैट्यूटरी रेमेडी है अपील फाइल करने की तो आपको उसी में अपील लेके जानी पड़ेगी और आप आर्टिकल 226 में अपनी रेमेडी लेके नहीं जा सकते. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कोर्ट ने ये बोला कि अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल होती है, लेकिन वो डायरेक्टली बार नहीं करता मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226. सो द कोर्ट हैज क्लैरिफाइड इन दिस पर्टिकुलर केस दैट अवेलेबिलिटी ऑफ एनी अल्टरनेटिव रेमेडी वुड नॉट रिजल्ट एज एन एब्सोल्यूट बार ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ रिट पिटिशन. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एवरीवन. तो ये फर्स्ट पार्ट था इस सीरीज का. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन यदि आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. वी विल कम अप विद फर्दर पार्ट्स ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो. जस्ट बक अप योर शूज, यू हैव ओनली 5 months लेफ्ट फॉर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन. बहुत सारे केसेस करने हैं, अराउंड 100+ केसेस हमें प्रिपेयर करने होंगे. ऑलराइट, ओके आशी, नो दीज आर नॉट सफिशियंट बट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्लैट पीजी. सो वील बी कमिंग अप विथ फर्दर वीडियोज ऑन दिस सीरीज एंड वील बी हैविंग डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस सीरीज. तो आप सारे जजमेंट्स कवर कर सकते हो फॉर योर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन. दे आर नॉट सफिशियंट, दे आर नॉट इनफ, बट येस दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्लैट पीजी पेपर. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एवरी वन. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.